बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आया है। बोला है ना क्या? पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने बाप आए हैं। फिर कहते हैं जहां बाप है वहां पाप नहीं। जब पाप बढ़ाने का रहम करते हैं तो दूसरी तरफ पापों का पोता मेल पढ़ करके आधा माफ कर देते हैं। ऐसा क्यों है? आधा माफ तो नहीं करना चाहिए, और भी पाप में पाप बढ़ाने का काम करने आए हैं। बच्चों का तो भी आधा माफ कर, बच्चों का तो आधा माफ कर देते हैं, और जो दुनिया में जो पापी आदमी है उनका तो पाप बढ़ ही रहा है। दुनिया का तो बाप की बात, पहले ब्राह्मण परिवार को देखना है कि पहले दुनिया वालों को देखना है? पहले तो ब्राह्मण परिवार को देखना। ब्राह्मण परिवार के लिए ये नियम बताया कि बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। तो जब रहम करने आए हैं फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि जहां बाप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां बाप नहीं? क्यों कहते हैं? अरे सुप्रीम सोल पाप बढ़ाता है या सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है वो पाप बढ़ा सकता है? जिसमें प्रवेश है वो पाप बढ़ा सकता है, जो आया है वो पाप बढ़ाने का काम नहीं करता। तो ये बात समझी नहीं है क्या? इसलिए ऐसा प्रश्न आया। अगर ये बात पक्की पक्की समझ में आ जाए कि पाप में पाप बढ़ाने का काम कौन सा बाप करता है, है? है? तो ये प्रश्न पैदा नहीं होगा। फिर इससे जुड़ा हुआ दूसरी बात ये पैदा होती है, जब पाप बढ़ाने का रहम करते हैं तो दूसरी तरफ पापों का पोता मेल पढ़ करके आधा माफ क्यों कर देते हैं? पोता मेल पढ़ करके दुगना और बढ़ा देना चाहिए क्या? आज ही तो बता दिया ऊपर वाला न माफ करता है और न ऊपर वाला बढ़ाता है। ये काम किसका है? हाँ, जो पोता मेल दिया जाता है वो ऊपर वाले को दिया जाता है या नीचे वाले को दिया जाता है? ऊपर वाले को दिया जाता है। ऊपर वाला जानता नहीं है? ऊपर वाला 84 जन्मों की कहानी नहीं जानता है? वो तो जानता है, उसको देने की न देने की कोई बात नहीं है। जो भी पोता मेल दिया जाता है वो किसकी जानकारी के लिए दिया जाता है? साकार। जो साकार है उसकी जानकारी के लिए दिया जाता है। तो साकार के ऊपर जो विश्वास करते हैं उनका आधा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोर्ट में जज बैठता है, चोर से जज पूछता है, हत्यारे से पूछता है, तुमने ऐसा किया या नहीं किया? सबसे बाद में पूछेंगे, पहले तुमसे पूछते हैं तुम बताओ, और वो सच्चा सच्चा बता देता है तो सजा कम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ऐसे यहां भी है, जज को ये विश्वास हो जाता है कि ये डरता नहीं है, क्या ये सच को फॉलो करने वाला है,
इसलिए सच बताता है, सच तो बिठो नच, इसलिए आधा माफ कर देते। इसलिए बोला कि लिख कर देंगे तो आधा माफ होगा। क्यों? मुंह से बोल दिया हमने ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया, इतनों की हत्या की, उतनों के बलात्कार किया, ऐसा किया, और जब कहीं मौका आया तो हमने नहीं बताया, कभी झूठ बोलते हैं तो सारा गड़बड़ हो गया, और ये बाप झूठा हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, लिख करके देना पड़े तब आधा माफ होगा, नहीं तो आधा माफ नहीं होगा।